दोस्तों, आज हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन चैप्टर का फोर्थ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। लाइन ए बी 65 mm लॉन्ग, ट्रू लेंथ लाइन की 65 mm है। पॉइंट ए 20 mm एबव एच पी एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। पॉइंट ए की पोजीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एबव एच पी 20, इन फ्रंट ऑफ वी पी 25 mm। पॉइंट बी 40 mm एबव एच पी, 65 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, यानी कि पॉइंट बी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे एंड वी विल फाइंड इंक्लिनेशन विद एच पी एंड वी पी। हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन के साथ इंक्लिनेशन थीटा एंड फाई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ए डैश एंड ए पॉइंट यहाँ हम मार्क कर सकते हैं। ए डैश पॉइंट 20 mm एबव एच पी हम मार्क कर सकते हैं और पॉइंट ए 25 mm एक्स वाई लाइन के नीचे की साइड हम यहाँ मार्क कर सकते हैं। अब हमें पता है कि बी पॉइंट की पोजीशन एबव एच पी 40 mm एंड इन फ्रंट ऑफ वी पी 65 mm है। सो हम ये दो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स वाई के पैरेलल दो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 40 mm डिस्टेंस पे एंड 65 mm डिस्टेंस पे। हमें एग्जैक्ट बी पॉइंट की पोजीशन अभी पता नहीं है कि वो कहाँ लोकेट करना है, इसलिए हम यहाँ आप देख सकते हैं हमने ए डैश पॉइंट मार्क किया है, ए पॉइंट मार्क किया है। बी पॉइंट हमें इस लाइन पे कहीं पे भी मिल सकता है, बी डैश पॉइंट एंड बी वन डैश पॉइंट। बी पॉइंट एंड बी टू पॉइंट यहाँ मिलेगा इस लाइन पे। अब हम ए डैश को सेंटर रखेंगे और ए डैश बी वन डैश लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो एडेस को सेंटर रख के हम 65 रेडियस की यहाँ आर्क ले सकते हैं, बिकॉज लाइन की ट्रू लेंथ 65 है, इसलिए हम 65 रेडियस की यहाँ आर्क लेंगे। ये जो पॉइंट हमें मिलेगा उसको हम बी वन डैश पॉइंट कहेंगे, बी वन डैश। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन एडेस में से ड्रॉ करेंगे। ये जो एंगल हमें मिलेगा उस एंगल को हम एंगल थीटा बोल सकते हैं। लाइन का हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल है वो एंगल हमें यहाँ मिलेगा 18 डिग्री। एंगल यहाँ आंसर हम लिख सकते हैं थीटा 18 डिग्री। अब बी वन डैश में से वर्टिकल लाइन और ए डैश और ए पॉइंट में से हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ हम ड्रॉ करेंगे, ए में से हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो पॉइंट मिलेगा उसको बी वन पॉइंट यहाँ हम लिखेंगे। ए बी वन रेडियस की आर्क इस तरह से हम ए को सेंटर रख के यहाँ ड्रॉ करेंगे। ये जो पॉइंट मिलेगा उसको हम पॉइंट बी मार्क करेंगे। ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे, ए बी लाइन है वो, उसको हम प्लान यानी कि टोपियो बोल सकते हैं। बी में से वर्टिकल लाइन बी वन डैश की लाइन को जहाँ टच होगी ये पॉइंट हमें यहाँ मिल सकता है। ये जो पॉइंट है उसको हम पॉइंट बी डैश कहेंगे। बी डैश पॉइंट ए डैश बी डैश पॉइंट को जॉइंट होती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको हम फ्रंट व्यू यानी कि एलिवेशन बोल सकते हैं। ए डैश बी डैश लाइन फ्रंट व्यू और यानी कि एलिवेशन। ए डैश को सेंटर रख के हम ए डैश बी डैश रेडियस की यहाँ आर्क ले सकते हैं, ए डैश बी डैश रेडियस की। ये जो पॉइंट मिलेगा उसको हम बी टू डैश पॉइंट बोलेंगे, बी टू डैश। बी टू डैश में से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो बी में पास होती हुई ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको जहाँ पे टच करेगा ये पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसको हम बी टू पॉइंट बोलेंगे। बी टू पॉइंट और ए पॉइंट को जॉइंट करेंगे, ये जो लाइन मिलेगी ए बी टू लाइन, इस तरह यहाँ जो हमने ड्रॉ की है ए बी टू लाइन, उसकी लेंथ भी ट्रू लेंथ जितनी होगी 65 mm लेंथ। ये जो एंगल मिलेगा उस एंगल को हम एंगल फाई बोल सकते हैं, ये एंगल फाई है। ये वर्टिकल प्लेन के साथ लाइन का जो एंगल है वो हम यहाँ आंसर में लिख सकते हैं, एंगल थीटा एंड एंगल फाई 18 डिग्री एंड 38 डिग्री। इस तरह से हम इस लाइन का प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं और थीटा एंड फाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।